अध्याय 16 वचन 19 पेज नंबर 113 पेज नंबर 113 पेज नंबर 113 नया नियम लुका रचित सुसमाचार अध्याय 19 अरे अध्याय 16 वचन 19 अध्याय 16 वचन 19 को ध्यान पूर्वक देखिए। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक धनवान मनुष्य था जो वैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। जी मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन हमें बता रही है, एक बार की बात है, प्रभु मसीह अपने चेलों के बीच में बैठा हुआ था और लोगों को उपदेश दे रहा था। उपदेश देते देते वह कहानियों में बातें करने लगा, वह दृष्टांतों में बातें करने लगा और बातें करते करते उन्हें एक कहानी सुनाने लगा। और कहानी में वह स्वर्ग और नरक की बातों को वह बताने लगा और बता बहुत से कहानी में क्या बताया था, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था। वह बैजनी और मलमल के कपड़े पहनता था, यानी वह कोई साधारण कपड़ा नहीं, वह अच्छा खासा कपड़ा पहनता था और धूमधाम का जीवन जीता था, यानी धूमधाम से वह रहना पसंद करता था। वह बहुत हाईलाइट में, जैसे होता है ना कि जो धनवान लोग होते हैं वह सोचते हैं कि मैं हाई फाई में रहूं भाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे खाऊं, अच्छे हमारा मकान हो, बंगला अच्छा हो, अच्छे सोने की व्यवस्था हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। ठीक उसी प्रकार वह धनवान मनुष्य था, वह अच्छे अच्छे वस्त्र को पहनता था, अच्छे अच्छे जगहों पे रहता था, जहां रहता था वह जो है कि अच्छा अच्छा जगह बनाया हुआ था, वह भोजन की चीजें अच्छी अच्छी खाता था और ठीक उसी जगह उसी के घर के सामने एक लाजर नाम का मनुष्य था जो घावों से भरा हुआ था, वह कंगाल था। वो लाजर नाम का मनुष्य जो कंगाल था वह घावों से भरा हुआ था, उसके शरीर में इतने काफी फोड़े, इतने काफी जख्म थे कि शरीर का कोई भी अंग देखने के लायक नहीं था, बिल्कुल उसकी सारी शरीर सड़ रही थी। और उसके घर वाले क्या करते थे कि उसको उठाकर उस धनवान मनुष्य के घर के सामने बैठा देते थे और उस बेचारा वह घाव से इतना जख्मी था कि उसके शरीर के अंदर ताकत नहीं थी कि उठकर खड़ा हो जाए और चल फिर सके, क्योंकि काफी वह कष्ट में था, उसके शरीर में ढेर सारी पीड़ाएं थी, ढेर सारा दर्द था। लेकिन ये मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हो कि किसी के शरीर में अगर एक फोड़ा मजे का निकल जाए तो उसकी दशा क्या होती है, और बेचारा अगर पैर में हो गया तो पैर को उठाकर टेढ़ हो जाएगा, इतना काफी दर्द हो जाता है कि वह टेढ़ हो जाएगा,
अगर मान लीजिए हाथ के यहां आंख में हो गया तो एक हाथ ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। एक फोड़े होने से दशा और उसके पूरे बदन पूरे अंगों में फोड़ा था, पूरा अंग घाव से भरा हुआ था। मऊआ बउआ बेचारा इतना दर्द सहता था कि बदन के ऊपर ही नहीं बल्कि मुंह के भीतर भी उसके फोड़े निकल आए थे, क्योंकि वह कुछ खा नहीं पाता था। और उसके घर वाले ऐसी हालात में उसे देखकर उससे बड़ा घृणा करते थे, यानी उसको उससे लोग होते हैं ना कि ऐसे लोगों को देखकर घृणा करते हैं, ठीक उसी प्रकार उसके घर वाले करते थे। तो क्या हुआ कि वह जब उसके घर पे घर के सामने बैठा दिए तो बेचारा वह जहां पर छोड़ दिया गया था वहां पे बैठे बैठे वह इंतजार करता था। किस बात का? कि जब बैठे बैठे उसे काफी भूख सताने लगती थी, भूख के मारे वह व्याकुल हो जाता था, तो वह इंतजार करता था कि यह धनवान मनुष्य है, हो न हो वह मेरे लिए कोई रोटी का टुकड़ा लेकर आए, हो न हो वह मेरे लिए कोई भोजन की सामग्री दे, मुझे देखे तो उसे तरस आए और मुझे खाने के लिए कुछ दे। वह बेचारा वह जहां बैठा वही पड़ा रहता था, इतना तक कि उसके घाव से बदबू आती थी, उसके बदन सड़ रही थी, सड़ी हुई चीज को अगर कुत्ते उस रास्ते से टहलते हुए जाते थे देखते थे तो सूंघते हुए उसके पास पहुंचते थे और उसके बदन को चाटना चालू करते थे। और वह बेचारा ऐसा निर्बल था कि उसके शरीर के अंदर ताकत नहीं थी कि वह कुत्तों को मारकर भगा सके, इतना भी उसके पास हिम्मत नहीं थी। वह कुत्ते आकर उसके शरीर को चाट रहे मगर उसके पास ताकत नहीं थी कि वह भगा सके, क्योंकि वह बेचारा बेजान था। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, वह वहां पे बैठे बैठे इंतजार करता था कि अगर ये धनवान मनुष्य मुझे खाने के लिए देगा तो मेरे पेट की जो भूख है वह मिट जाएगी, कम से कम ये भूख तो वो शांत होगी। मगर अंदर से उसकी भूख उसको सताती थी, बाहर से पीड़ा उसको सताती थी, बेचारा एकदम जो है कि कहा जाता है ना जीते जी मर रहा था। वह इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करते करते हुआ क्या, भूख के मारे उधर पीड़ाओं के मारे हुआ क्या कि वह दम तोड़ देता है, बेचारा मर जाता है। और मरते ही होता क्या है, मरने के बाद क्या होता है कि तुरंत स्वर्ग से स्वर्गदूत उसके लिए आते हैं, स्वर्ग से स्वर्गदूत आते हैं, उसको उसके शरीर में से उठाकर ले जाते हैं और स्वर्ग के अंदर अब्राहम की गोद में रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो कंगाल मनुष्य लाजर मरा तो स्वर्गदूतों ने उसे क्या किया, उसके आत्मा को उठाया और ले जाकर स्वर्ग के अंदर कहां रखा, अब्राहम के गोद में। और अब्राहम कहां था, स्वर्ग के अंदर। परमेश्वर ने एक सिंहासन पे उसके लिए जगह दिया था, क्योंकि अब्राहम जो मनुष्य था वह परमेश्वर का लाडला दास था, क्योंकि वह धर्मी मनुष्य था। जब तक संसार में रहा वह धर्म का काम करता गया, वह परमेश्वर के हर एक हुक्म को मानता गया, परमेश्वर की एक भी बात को नहीं टाला। परमेश्वर ने उसकी कई बार परीक्षा भी ली, लेकिन वह परीक्षाओं में पास हुआ। परमेश्वर ने ऐसी परीक्षा ली, यदि आज के जमाने में वैसी परीक्षा अगर किसी मनुष्य का लिया जाए तो मनुष्य उस परीक्षा में परीक्षा को छोड़कर भाग जाएगा। क्योंकि ही मेरे प्यारे भाई बहनों, वह अब्राहम जिसकी पत्नी सारा थी, अब्राहम जो था उसकी पत्नी का नाम सारा था और वह बांझ थी, वह वृद्धावस्था हो गया, फिर भी जो है उसके पास संतान नहीं हुए। मगर जब नौजवान था तभी परमेश्वर ने उससे बातें करके उसको आशीष दिया था कि हे अब्राहम, मैं तेरे द्वारा इस संसार के अंदर ढेर सारी वंशजे तैयार करूंगा और पूरे पृथ्वी पर तेरे वंश जो है कि फैलेंगे। मैं तेरे वंश को बालू के जो कण होते हैं उस बालू के कण की तरह और आकाश के तारा गण की तरह फैलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मगर हे मेरे प्यारे भाई बहनों, बूढ़ा हो गया तब तक भी कोई संतान नहीं हुआ, तो उसकी पत्नी
पत्नी जो थी हमेशा अब्राहम को कोसती थी कि भाई तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें तो ऐसा वरदान दिया है, ऐसी आशीष दिया है, उसकी आशीष कहाँ चली गई? अरे कब होगा, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो मैं बच्चा जन्मने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा जन्मने का समय हो गया।